अस्सलाम वालेकुम ग्रेट थ्री, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. दिस इज़ मिस नाजिया तौहीद, योर इंग्लिश टीचर, एंड टुडे वी विल रीड द पोएम रॉबिन. रॉबिन इज़ द नेम ऑफ अ बर्ड, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पोएम रॉबिन. ओपन योर पेज नंबर 10 इन योर OMA बुक एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग पोएम रॉबिन. रॉबिन सैंग स्वीटली व्हेन द डेज वर ब्राइट, थैंक्स 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 फॉर समर, ही सैंग विद ऑल हिज माइट. रॉबिन बहुत स्वीटली गा रहा होता है जब डेज बहुत ब्राइट होते हैं. और डेज ब्राइट कब होते हैं? दे हैव टोल्ड दिस टू यू इन द नेक्स्ट लाइन, इन द समर. जब समर सीजन होता है, एट दैट टाइम सन स्टार्ट शाइनिंग इन अ वेरी हार्ड वे. सन बहुत तेज़ी से ब्राइट कर रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी तो हो रही होती है, लेकिन डेज बहुत ब्राइट हो जाते हैं. तो इतने गर्म दिनों में भी, इतने ब्राइट दिनों में भी, इतने सख्त गर्मी में भी रॉबिन पूरी ताकत के साथ हमें प्रेस करने के लिए गाना गा रहा होता है. रॉबिन सैंग स्वीटली इन द ऑटम डेज, देर आर फ्रूट फॉर एवरी वन, लेट ऑल गिव प्रेज. रॉबिन बहुत स्वीटली गाना गा रहा होता है ऑटम डेज में भी, उन डेज में जब तमाम पेड़ों से, तमाम ट्रीज से जो पुराने फ्लावर्स और लीव्स होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं और आधे पेड़ खाली हो जाते हैं, और उस वक्त हमें फ्रूट्स मिल रहे होते हैं, वो उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करके हमें प्रेज़ कर रहा होता है, गाने गा रहा होता है. प्रेज़ मतलब शुक्र अदा करना, अप्रिशिएट करना. वो इस सीज़न को भी अप्रिशिएट कर रहा होता है और गाना गा रहा होता है. इन द कोल्ड एंड विंट्री वेदर, स्टिल हेयर हिज सॉन्ग, समबडी मस्ट सिंग, सैड रॉबिन, और विंटर विल सीम्स लॉन्ग. बहुत ज़्यादा विंटरी सीज़न में भी रॉबिन गाना गाना नहीं छोड़ता, उस सीज़न में भी गाना गा रहा होता है. बिकॉज़ इतनी ज़्यादा सर्दियों में हमेशा क्या होता है कि लोग अपने अपने हीटर के अंदर कमरों को बंद करके बैठ जाते हैं या ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ जाते हैं, लेकिन वो इतनी सख्त सर्दी में भी गा रहा होता है. वो कहता है अगर मैं गाना नहीं गाऊँगा, ये रॉबिन का कहना है कि इफ़ आई विल नॉट सिंग, अगर मैं गाना नहीं गाऊँगा तो दिन बहुत लंबे, तो ये विंटर सीज़न गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबे दिन हो जाएंगे. व्हेन द स्प्रिंग केम बैक अगेन, ही सैंग, आई टोल्ड यू सो, कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर, इट विल ऑलवेज गो. मैंने जब दोबारा स्प्रिंग सीज़न आता है और नए पत्ते, नए फ्लावर्स लगने लग जाते हैं और तमाम दरख्त दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं, एट दैट टाइम रॉबिन सेज दैट आई टोल्ड यू दैट इट विल कम बैक. मैंने आपसे कहा था कि स्प्रिंग सीज़न वापस आएगा. तो मैं इन चारों सीज़न में गाना गा के सबको प्रेस कर रहा होता हूँ, कभी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता हूँ, कभी लोगों को खुश कर रहा होता हूँ. दिस इज़ वॉट रॉबिन does in all the four season, in summer season, in autumn season, in winter season, and in spring season. This is all about this poem. You have to learn this poem by heart, because in the activity will be, is poem ki activity kya hogi, I will give you two lines and you have to complete the stanza. For example, these two lines I will give you and I will told you that complete the stanza. To ye jo baki ke do lines hai stanza ke, wo aapko khud se likhne honge. So you have to learn this poem by heart. And what is the copy work of this poem is that first you have to make your title page. On the new page, you will make a title page of Robin. You can draw a picture here also. And the next page, you will write down the glossary. We have four glossary in this chapter. Number one is autumn, the season before winter. Number two, might, strength. Number three, praise, yani offer thanks, Allah ka shukr ada karna. Wintry, cold, yani thanda season. उसके बाद आपको इस पोएम का इंट्रोडक्शन देना है. इंट्रोडक्शन कैसे देना है? यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट इज़ दिस पोएम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, एंड हु इज़ द पोएट. आपको मैंने पहले भी बताया कि पोएट क्या होता है. पोएट इज़ द पर्सन हु राइट द पोएम. पोएट वो पर्सन होता है जो पोएम को लिखता है, एंड द पोएट नेम इज़ ऑलवेज रिटन एट द एंड ऑफ द पोएम. यू कैन सी हियर, हियर इज़ द पोएट नेम अनोनिमस. दिस इज़ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द रॉबिन पोएम. सो हाउ विल बी द इंट्रोडक्शन? द इंट्रोडक्शन विल बी द नेम ऑफ द पोएम इज़ रॉबिन एंड इट इज़ रिटन बाय अनोनिमस, और द पोएट नेम इज़ अनोनिमस. This will be the introduction, and after that what you have to do, I will give you two lines. Look at here, they have written, I have written here in my copy, answer the questions about the lines. यहाँ दो lines हैं और आपको इन दो lines के accordingly मैंने नीचे कुछ question दिए हैं. You have to give the answer of the question. जब आप इस line को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप इन questions का answer दे सकेंगे. Number one question is, who is singing, कौन गाना गा रहा है? इन ये दोनों lines किसने गाई हैं? Who is singing the song in the poem? Robin is singing the poem. The next question is, how is the weather? How is the weather in this line? In these two lines. How is the weather? In the cold and wintry weather. So the weather is cold and wintry. And the last question I did not have written here. The last question will be,
who is, complete the stanza. ये दो lines हैं, इसके नीचे की दो lines और हैं जो कि आपको book से देख के खुद से complete करनी होगी. This is all about today work. You have to learn this poem by heart because I will make an activity for you. ऐसा नहीं होगा कि अगर copy में मैंने आपको third stanza दिया है तो मैं इसी के बारे में पूछूँ. नहीं, copy में अगर मैंने third stanza दिया तो हो सकता है exam में मैं first stanza दे दूँ, last stanza दे दूँ. So you have to learn this poem by heart. This is your work for today. Thank you and Allah Hafiz.